स्टूडियो में हमने कहा इकतेदार में तो एक दूसरे के आमने सामने आके बहुत एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं स्टूडियो में देखते हैं वो दोनों आएंगे तो क्या होता है <laughs> क्या स्पार्क्स निकलते हैं या दोस्ती बहुत ज्यादा है तो वी हैव अनुल बलोच एंड इन स्टूडियो इकतदार इज़ ड्राइंग वेरी वेल एंड विथॉट लेट्स टॉक टू दैन मैन फाइंड आउट अबाउट क्या के क्या होने वाला है शादी हो मेरी ना क्यूरोसिटी है शादी होगी कैसे इस चीज गु मैरी हिम टू टेक रिवेंज या वो उसको ब्लैक करेगा क्या होगा सो so, ड्रामे ने मुझे काफ़ी ना इंगेज करके रखा है सो so, हमने कहा कोशिश करते हैं अगर हम ये सीक्रेट मालूम कर सकें आज तो असल कैसे हैं आप दोनों मेरे इतने इंटरेस्टिंग और इतने मैं खुद ही से कह रही हूँ उस इंट्रो का इतना स्लो

वो सीन okay. नहीं है so सो यू आर प्लेइंग रॉन्ग आंसर जोन अच्छा ये ऐसा हो सकता है वो अपनी घर की छत पे वो नीचे आया हुआ है उसका घर वो आपका घर नहीं है उसका हो तो सकता है मैं ये देख रहा हूं कि ये मेरे घर के ऊपर क्या कर रही है उसमें हमने कॉफी की जगह क्या दिया अली को कह रहा है इतनी स्ट्रांग कॉफी है अली यू आर बहुत आप पर्टिकुलर सफाई के बारे में जी अब YouTube का वो ब्लैक परनीया तो आई ये सफाई सी ये सही साफ नहीं बेबी मैं ना क्वेश्चंस देख रही हूं मैंने कहा हाँ मैंने ज्यादा टेंशन नहीं दी मैंने कहा हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं अपने क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ <laughs> लाइक <गया। laughs> कोई नहीं है इफेक्ट कहा अच्छा यू यू आर पर्टिकुलर अबाउट सफाई हां मुझे है थोड़ी सी ओसीडी का भी मसला है कि मुझे कुछ होता है देख के होता है कुछ अ, कुछ अ, वो होता है हां हा, कुछ कुछ होता है सफाई <laughs> के बारे में जगह देख वाली चीज वाली चीज वाली जगह पे नो बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिर मैंने बहुत ही वो पाकिस्तानी खवातीन वाला जो जुमला होता है ना वो बोला व्हिच इज आल्सो ओके कि अच्छा तो आपकी वाइफ को तो बड़ा मसला होगा लाइक like, मेरी वाइफ को क्यों मसला होगा मेरी शादी तो मेरी मैंने का इंशाल्लाह होगी ना जब भी होगी तो वो अगर हस्बैंड्स पर्टिकुलर हो तो उनको होता है ना कि ये क्यों हो किया तो अली ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया

तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया मुझे तो एंड लाइक समझ नहीं आ रहा था बट खैर आई वॉज रीडिंग एंड लाइक क्वेश्चनिंग माई डायरेक्टर कि ऐसा होगा ऐसा होगा बट जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया दिस वॉज समथिंग जो मैंने अभी तक नहीं किया था अपने yeah. पुराने ड्रामाज hmm. में अभी मैंने रिसेंट जब शिद्दत किया था तो yeah. उसमें आई वॉज ऑल ऑपोजिट टू दिस कैरेक्टर सो आई स्टार्ट रीडिंग इट एंड आई रियलाइज कि इसमें शेड्स बहुत हैं hmm. और अगर मुझे लगा कि अगर ये कैरेक्टर मैं अच्छे से प्ले कर सकती हूँ ना तो मुझे लगा कि ये मुझे प्ले करने में बड़ा मजा आएगा बिकॉज दिस इज दिस वॉज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू टू मी क्योंकि मैंने इस तरह का कभी कोई कैरेक्टर किया नहीं था आई वॉज ऑलवेज लाइक बस चुप रहने वाली रोने वाली yeah, सीधी चुप तो चुप ही नहीं और यहाँ वो चुप ही नहीं कर, और, नहीं कर। yeah. और मुझे पढ़ के इतना मजा आ रहा था hmm. इतना मजा आ रहा था कि इसके साथ में एक और स्क्रिप्ट भी पढ़ रही थी एंड या तो मैं सुन रहा हूँ तो इसके साथ में एक और भी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी लेकिन मुझे ये पढ़ के ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मुझे लगा कि इस पर मार्जिन बहुत है hmm. एक्टिंग का भी और एक अच्छा वो जो होता है ना एक अच्छा मैसेज भी दे भिल्कुल सकते भिल्कुल हैं अपने प्रोजेक्ट हाँ। के जरिए hmm. तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट वो था okay. तो मुझे लगा कि नहीं आई आई एम गोना डू दिस तो मैंने ये चूज़ कर लिया और उसका नाम कुर्टलैन था फिर जब हमने शूट करना शुरू किया सो फहीम भाई वज लाइक कि नहीं इसका नाम बहुत वो लग रहा है इसको

फिर बीच में जो स्क्रिप्ट हमारे पास आया उसके ऊपर लिखा हुआ था मेरा कातिल मेरा यार ये ओ यस दिस दिस वाज द मेरा यार मेरा हाँ, कातिल, मेरा यार, कातिल। यार, और हम स्क्रिप्ट देख रहे हैं कि ये तो ओ गॉड खराब है ये कुछ बहुत बुरा है ये तो बहुत ही और फिर हाँ। फिर बात आई मेरा कातिल मेरा यार नहीं मेरा कातिल मेरा दिलदार कुछ, अच्छा, कुछ, थे, थे, हाँ, कुछ ऐसे अच्छा तीन चार थे तीन चार थे ऐसे ही है। कुछ है। थे लेकिन उसमें ये जो मेरा कातिल और मेरा दिलदार दुश्मन ये सारा कुछ हुँ। था हुँ। और फिर एंड पे एक पॉइंट पे फहीम भाई ने जब मुझे ड्रामा ऑफर किया था और फहीम भाई ने मुझे कहा हम इसका नाम ना कैरेक्टर नेम रखेंगे तुम्हारा शानवार शाह मुझे 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 ना दो स्क्रिप्ट आए हुए थे ये तो काफी आए थे तो मैंने वो दो चूज किए थे और मैंने ये सोचा था की वो दोनों कराची में शूट होने थे तो मैंने उनको बोला था की टेन डेज

हाँ <laughs> लेकिन एक माइंड एक मेरी चीज़ माइंड में चल रही थी यार बाल नहीं बनाने मैंने ना मुझे बहुत नफरत है मुझे बाल बनाने से कि वैसे वो स्लीक बाल फहीम भाई कहते हैं हा, हाँ हाँ वो देख लेंगे वो देख लेंगे वो देख लेंगे अब मेरे भी माइंड में था कि अच्छा चलो सूट पहनने तो प्रॉपर लुक होनी चाहिए खैर तो फिर हमने कहा कि अच्छा चलो हम ना लोग के साथ कुछ कर लेंगे मस्ताज रख लेंगे तो अब फहीम भाई ने मुझसे बात की अब मैंने अपने ना इनके साथ मेरी बात हो डालई थी उनके कॉन्ट्रैक्ट घर पड़े हुए थे और मैंने साइन करके भेजने रहे थे एक तो मैंने साइन कर दिया हुआ था है। जो कि मैंने भेजना था तो मुझे उनको अब बोलना था कि वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने भाई को का। मैंने कहा ठीक है ये दो ड्रामे के मुझे इतना मिल रहा था तो मैं इतना फिर आपसे लूंगा एक ड्रामे का ताकि मेरे दो ड्रामे कवर हो जाए तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, है मैं करता हूँ मैं करता हूँ उन्होंने चैनल से बात की चैनल को मसला नहीं था